हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चना टिक्की चाट बनाना बताऊंगी। चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। हम दो उबले हुए आलू लेंगे, उबला हुआ काबली चना, टमाटर, प्याज, सेवैयाँ, इमली की चटनी, धनिया कटा हुआ, चाट मसाला, मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हरी मिर्च। अब हम आलू को मैश कर लेंगे। हमारा आलू मैश्ड हो गया है, उसमें कटा हुआ धनिया डाल देंगे। अब हम नमक डाल रहे हैं, नमक थोड़ा ही डालना है। लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, धनिया पाउडर डाल रहे हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये हमारा मैश रेडी है। अब इसको हम टिक्की का शेप देंगे। ऐसे कटोरी जैसा बना करके कटोरी के जैसा बना रहे हैं हम इसको। देखिए आप ऐसे हाथ से बनाइए, ऐसे कटोरी जैसा बनके रेडी हो गया हमारा ये। अब हम मैदा ले रहे हैं, दो चम्मच कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं। इसमें पानी डाल करके इसको हम लिक्विड बनाएंगे, थोड़ा सा सेमी लिक्विड जैसा डिप करने के लिए। इसमें सॉल्ट डाला हमने, अभी टिक्की को इसमें डिप करेंगे। फिर इस टिक्की को इसमें सेवई में लपेट रहे हैं, इसको अच्छे से कोट कर देना है। ये हमारा कोट हो चुका है और हमारी टिक्की रेडी है। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे। तेल अच्छे से निकाल लीजिए। ये हमारी टिक्की रेडी है। अब हम चलिए टिक्की की टॉपिंग बनाते हैं। काबुली चना ले लीजिए, उसमें अनियन डाल दीजिए, टोमेटोज डालिए, धनिया डालिए, नमक थोड़ा सा, जीरा पाउडर, मिर्ची हरी, चाट मसाला और चटनी इमली की। मिक्स कर लीजिए अभी इनको, अच्छे से मिक्स करिएगा। हाँ, अभी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको फिलिंग को हम ऊपर डालेंगे इस टिक्की के। अब ये टॉपिंग हम इसके ऊपर डाल रहे हैं टिक्की के ऊपर। ये हमारी टिक्की रेडी है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।